हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है हम स्पैनिंग ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ डिजाइन एंड एल्गोरिथम में। स्पैनिंग ट्री में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक ट्री दे रखा होगा और उसको हमको जो है ग्रीडी अप्रोच या फिर डायनेमिक अप्रोच के थ्रू मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मतलब हम कम से कम कॉस्ट में कितना ज़्यादा उसको सारा कवर कर सकते हैं, सारा एरिया कैसे कवर अप कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये है, आपके पास एक ग्राफ गिवन होगा, सिर्फ वर्टिसेस और हमारी एजेस होंगी। तो हमको एजेस अगर पता करनी है तो हमारा एजेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, वी माइनस वन, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस वन। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी स्पैनिंग ट्री में एजेस आ जाएंगी। हमको कैसे पता करना है कि हमको कितनी एजेस रिमूव करनी है हमारे जो गिवन ट्री है उसमें से, जिससे कि हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाए। तो उसका फॉर्मूला है एजेस माइनस वर्टिसेस प्लस वन, तो उतनी जो है हमको एजेस को रिमूव करना है। अब जो कंडीशन गिवन है स्पैनिंग ट्री के लिए, मतलब एक गिवन ट्री को स्पैनिंग ट्री में होने के लिए, वो ये है कि इट शुड बी ए साइक्लिक, मतलब उसके कहीं भी कोई साइकिल जनरेट नहीं होनी चाहिए एंड वो मिनिमली कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब कम से कम जो है कनेक्शन उसके होने चाहिए। अब अगर हमको पता करना है कि उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब उस ट्री के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो उसका फॉर्मूला है वी टू द पावर वी माइनस टू, मतलब जितनी गिवन वर्टिसेस होंगी टू द पावर वी, मतलब वर्टिसेस माइनस टू। तो इसमें जो हमारे पास दो अप्रोच हैं बेसिकली, पहली है ग्रीडी अप्रोच और दूसरी है डायनेमिक अप्रोच। तो ग्रीडी अप्रोच में एक एल्गोरिथम है जिसको हम क्रिशकल एल्गोरिथम बोलते हैं। तो क्रिशकल एल्गोरिथम से पहले हम देखेंगे कि हम हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एन इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें 14, 28 ये यहाँ की लेंथ है, देन यहाँ की लेंथ है 25, 22, देन 18 साइड की लेंथ है, यहाँ से पूरा इधर गिवन होगा इसकी लेंथ है 24, ठीक है, ये इसकी लेंथ है 24 यहाँ तक, एंड इसकी लेंथ है 12, यहाँ की लेंथ है 16 एंड देन इसकी लेंथ है 14। ये हमारा बेसिकली एक ट्री गिवन है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इसकी जो है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी, लीस्ट लेंथ जो है क्या रहेगी, ये 10 है बेसिकली, ठीक है। तो मतलब हमको ऐसे हम कैसे करें कि हमारा जो है लीस्ट वैल्यू आ जाए, हम सारे एरियाज को कवर अप करें, ठीक है। अब देखिए हमको कैसे करना है, क्रिटिकल एल्गोरिथम में क्या करना है, हमको सबसे जो लीस्ट वैल्यू है ना पहले उसको उठाना है। देखिए क्या है सबसे लीस्ट वैल्यू, 10 मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दूसरी लीस्ट वैल्यू क्या है, 12, तो 12 देखिए थोड़ा उससे ऊपर रहेगा, 12 मैंने यहाँ कर दिया। देन उसके बाद क्या है हमारी 14 लीस्ट वैल्यू, हमको बेसिकली क्रिटिकल एल्गोरिथम में सिर्फ लीस्ट लीस्ट वैल्यू कंसिडर करनी है। तो 14 अगर आप चेक करेंगे थोड़ा नीचे आएगा यहाँ पे, तो मैंने इसको 14 को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 14 के बाद क्या है हमारा 16, देन इसके बाद क्या है 18। अब 18 हम कंसिडर नहीं करेंगे, मैं अगर 18 यहाँ पर बनाता हूँ तो ये क्या एक साइक्लिक बन जाएगा, तो 18 जो है हमको कंसिडर नहीं करना है, तो इसलिए मैंने 18 को जो है इग्नोर कर दिया। अब 18 के बाद हमारे क्या लीस्ट वैल्यू बची, 22, तो हम जो है 22 मैंने यहाँ पे बना दिया, 22 मेरा बन गया। अब 22 के बाद लीस्ट वैल्यू क्या है, 24। अब देखिए 24 अगर मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट करता हूँ फिर ये साइक्लिक बन जाएगा, तो हमको 24 भी कंसिडर नहीं करना है, मतलब कि हमने 18 कंसिडर नहीं किया, 24 कंसिडर नहीं किया। अब हम कंसिडर करेंगे 25, ये वैल्यू एक कंसिडर की मैंने, 25 ये हमारा बन गया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे डॉट्स को थोड़ा ज्यादा डार्क कर देता हूँ। अब देखिए 25 क्या था हमारी लिस्ट वैल्यू, क्या है 28। अब जैसे ही मैं 28 से इसको कनेक्ट करूंगा तो ये अभी हमारा साइक्लिक बन जाएगा, तो हम 28 को भी कनेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि हमारा ये जो पर्टिकुलर ट्री है ये मिनिमली कनेक्टेड ट्री है और इसकी जो वैल्यू रहेगी ना, हम देखिए हम सारे पाथ को कवर अप कर दिया और इसकी जो वैल्यू है ये सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी पूरे ट्री में, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसका जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो रहेगी वैल्यू ऑफ ऑल एजेस, ठीक है। अब देखिए अगर आप इस ट्री को पर्टिकुलरली चेक करेंगे ना तो ये सारी कंडीशंस जो है इसमें सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो क्रिटिकल एल्गोरिथम है वो समझ में आया हो। मेरी अगली वीडियो में जो है मैं स्पैनिंग ट्री के रिलेटेड अदर वीडियोज, अदर जो एल्गोरिथम्स हैं उनको भी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।